तो गाइस कैसे हो आप सब, आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है अपनी भाई डब वाली से, डब वाली हरियाणा। तो बस अभी हम थोड़ी देर राजस्थान में इंटर करने वाले हैं। यहाँ हम रुके थे रात को पंप पे 12-1 बजे। अभी हम उठे, ऑयल वगैरह अपनी गाड़ी में चेक किया, ऑयल पानी वगैरह ओके है। अब करते हैं बंद गाड़ी, करते हैं स्टार्ट, उसके बाद गाड़ी करते हैं पंप पे, डालते हैं डीजल, वाशरूम वगैरह होके ठंडा पानी पंप से भर के फिर निकलते हैं आगे। और थोड़ी कैश भी लेनी रखते हैं पंप से, अगर मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के मेरे को सब टायरों को नज़र देनी अच्छे से, टायर अंदर से फिर किस रहे जा रहे हैं। ये हम ढाबे के सामने डुबे थे, ढाबा पर बंद हो गया, उसी की पार्किंग में पंप वाले की जगह थी, उन्होंने यहाँ लगा लो, यहाँ सेफ है, लाइटें भी थी यहाँ पे। बस यहाँ से करते हैं गाड़ी रिवर्स, पंप पे डालते हैं डीजल, बस कैश मिल जाएगी सारी कहानी ख़त्म। आगे वहाँ से उस तरफ से गाड़ी पंप पे, अब जहाँ डीजल डाल रहे देखते हैं। अब टैंकी हमने जम्मू से करवाई थी फुल, अब जम्मू से यहाँ तक डीजल कितना जाएगा, वो टैंकी तो फुल ही है। पिछली बार गया था 98 लीटर, पर पिछली बार गए थे सांबा से फुल, इस बार जम्मू से करवा के आए, 15 लीटर और चला जाएगा, 120 तक जाना चाहिए लास्ट। तेल डल दिया, और थोड़ा यहाँ से कुछ कैश भी ले ली, और पानी भी ठंडा भर लिया। अजू भाई भर रहे छोटा वाला कैंपर, बड़ा भी पूरा ठंडा पानी से भर लिया। अब देखो खाना बनाना होगा तो ये यूज़ कर लेंगे, नहीं तो पीने के काबिल तो आएगा आएगा। अब चाय पीते हैं, हमने एक्सप्रेस से चढ़ के वहाँ पर कहीं चाय पीते हैं, यहाँ पे भी है पर वहीं चल के पीछे थोड़ा यार। यहाँ पंप पे बार बार इनकी हम जगह कर रहे हैं, कब से गाड़ी यहीं खड़ी था, हम पानी पुनी भर रहे हैं आराम से। यहाँ पे एक रोड बन रही है, ये एक अलग ही जा रही है यार, पता नहीं कौन सी है यार, काफ़ी रोडें बन रही हैं यहाँ पे यार। बस हम पहुँचने वाले डब वाली, हमें लेनी है अभी फिलहाल 2 लाइटें, तो दुकान होगी वहाँ, वो छुपाई एक अपना पहचान का, वहाँ 2 बंदे बैठते हैं, रात को किसी और की होती है, दिन को किसी और की, वहाँ तो जो अपनी पहचान का बंदा उससे लेंगे हमें लाइटें। आ गए हम यहाँ से टोल कटवा के एक्सप्रेस पे, और इसी एक्सप्रेस तकरीबन 10-12 किलोमीटर एरिया में आगे, वहीं मेरी गाड़ी पिछली बार लगी थी, वो उससे जो साइड से डैमेज है, देखते हैं अपना शायद अगर जगह पहचान में आई। पूरी एक्सप्रेस एक ऐसी है, इतनी जगह पूरी ना मेरे को बरीकी से याद भी नहीं है, तो भी देखेंगे याद आएगी तो दिखाऊंगा आपको, अगर अपने टूटा फूटा व्हीकल का वहीं पड़ा होगा। पता नहीं वो जगह कहाँ पर रह गई यार, अब पूरा याद नहीं, इसी एरिया में था पता नहीं जैसा भी। चलो यार बहुत बुरा टाइम था, निकल गया, चलो अपना बचाव हो गया। बाकी इस रोड पे ध्यान से चलना, इस रोड में बहुत एक्सीडेंट है, तो नींद आलस, और उसके बाद ना रोड भी ना पूरी बराबर नहीं है, ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा स्टेयरिंग छोड़ोगे गाड़ी लेफ्ट साइड 1 सेकंड में चलेगा, वो पता भी नहीं चलेगा। और इस रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रखे हैं अभी यार, और मैं आता ही नहीं एक्सप्रेस है ना, यहाँ पे टायर भी गाड़ी बहुत खाती है ना। आज सुबह सुबह का मौसम था ना, और अभी देखो धूप भी नहीं, तो मैं आ गया, मैं चलो टायर इतने गर्म नहीं होंगे, दिन को सच्चा नीचे से आना चाहिए यार। आगे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अभी इस रोड का उद्घाटन नहीं हुआ, रोड इतनी ख़राब है, देखते हैं यहाँ पे खड्डे आएंगे, अभी तो ठीक ही आ रही है। आ गया टोल प्लाज़ा, पर इस टोल प्लाज़ा का भी है कि अभी चल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे हमारे को RTO मिला था, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं उसके पार शायद गाड़ियाँ तो काफ़ी रुकी हैं यार, गाड़ी छोटी दिख नहीं रही क्या, साइड में लगाई होती है यार। चलो जो होगा वो तो होगा ही होगा, टेंशन नहीं लेनी था, लंबा नहीं सोचना, बस अब पीनी हमें चाय। और अभी 8:40 हो गए, और मस्त हमने क्रूज़ लगाया 60 में, 13-14 RPM में, बस कंट्री में गाड़ी चल रही है एक ही स्पीड में, उससे माइलेज अच्छी निकालती है। 9:15 होने वाले, अभी कोई चाय वाली दुकान भी नहीं आ रही है, एक दो आई थी बंद ही थी, कोई आती है ना अगर चाय वाली दुकान, तो पहले चाय पी के फिर थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर ना थोड़ा आलस दूर हो जाता है, इस रोड में सिर्फ आलस आ रहा है, देखो मेरे को इतना आलस आ रहा है ना, खाली रोड ना कोई गाड़ी, बस चलते रोड, एक गियर लगाना ना गियर चेंज करना, मतलब इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तभी। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं अच्छा, रोड का काम करने आई है ना यार, नहीं रोड है वो, JCB से उसको पूरा उखाड़ रहे, वापिस करेंगे, वापिस बनेगी ये। अब डबल खर्च, चलो यार अब पता नहीं क्यों सही नहीं बनी, क्या हो गया, इतने खड्डे हैं ना, मतलब ये उद्घाटन के बिना, मतलब ये रोड ना अभी मैप पे अभी भी शो हुई है, उद्घाटन नहीं हुआ है, पर अभी हालत बड़ी ख़राब है इस रोड की यार, और ना कोई चाय वाली दुकान आ रही है हमें, और यहाँ पे इतनी फसल है कपास की, मतलब रुई की, जब से हम चढ़े ना एक्सप्रेस पे तो दोनों तरफ सिर्फ रुई रुई दिखाई दे रही है, बस ये भी कपास है, वो बड़ी है ये छोटी है, कपास रुई, जिसका इंतज़ार था भाई आ गए मामे, पता नहीं मामे क्यों बोलते हैं यार, जा मम्मी के भाई या पापा के साले, पता नहीं अब आओ दोनों में से एक रिश्ते दे रहा हाथ, हाँ देना 100 रुपया 200। यहाँ पर रुके, यहाँ टायर वगैरह को अच्छे से चेक कर लेते हैं, तो पीते हैं यहाँ चाय, फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। अब यहाँ से आगे थोड़ा ही रह गया अपना सफ़र,
ग्लास ले जाने ना। इस रोड पे भी टायर बहुत ज्यादा घिसते हैं यार, फिर भी कोई भी रोड टायरों को ध्यान देना यार हमारा फर्ज है यार। टायर वगैरह कर दिए चेक, अभी आजू बाजू तो लाते चाहे तो मैं दो तीन वीडियो को व्हाट्सअप कर दिया वो कर लेता हूँ, और वीडियो ट्रांसफर करके दूसरे फोन में वीडियो अपलोड लगा देते हैं, क्योंकि वो काम भी साथ साथ में करना पड़ता है ना, गाड़ी भी चलानी है उसके बाद अपना यूट्यूब वाला भी काम साथ साथ में करना है। टायर भी थोड़े घर में 10-15 मिनट रुकते हैं, टायरों को देते हैं रेस्ट। अब चाय वगैरह पी ली, अब निकल पड़े आगे के लिए, और बस फोन वीडियो में लगा दी अपलोड के लिए। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से फोन को कवर से बाहर निकाल के थोड़ा हवा इसको देनी पड़ती है ताकि गर्म ना हो जाए, है ना, फटफट आ जाए कहीं पे। तो आजू भाई चल रहे, दो गाड़ियाँ भाई चल गई यार, पीबी 13 यार पंजाबी। अब हमारा भी थोड़ा रह गया यहाँ से, बस कट आने पर नीचे जाने वाला तकरीबन 3-4-5-7 किलोमीटर। समझ नहीं आ रहा इस एक्सप्रेस में कोई जगह ही नहीं है, होता ना कि इंसान कोई हॉस्पिटल कोई चीज़ देखता है, अब एक ही ऐसा जंगल है, बस एक ही ऐसा चल रहे हैं तब से है, कपास के पेड़ खत्म हो गया। फाइनली एक्सप्रेस अपनी होगी ख़त्म यहाँ पे ही, हालांकि एक्सप्रेस खत्म नहीं हुई, हम सीधा इसको गुजरात की तरफ हम जा सकते हैं, राजस्थान हो गया, जोधपुर साइड हम जा सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं, पर हमें वहाँ जाना नहीं होगा। वो माता कहाँ पे, नहीं नहीं बस यहाँ से भी टोल शायद अभी बंद ही है, थोड़ी देर में कटना शुरू हो जाएगा टोल सब, पर रोड बढ़िया हुआ फिर टोल देने का मजे से, अभी खड्डे हैं तो फिर क्या ही भाई टोल कटवाएंगे। अब यहाँ से सीधा सिंगल रास्ता फिर लेते हैं, सब्जी वगैरह आज सब बह गया यहाँ से, इतनी बारिश हुई यहाँ पे देखो। यहाँ पे एक चीज़ है, जितनी बारिश हो रही है ना तो पानी रुकता ही नहीं है, मतलब पानी मतलब जमीन के अंदर चले जाता है, उस वजह से यहाँ पे इतना सूखा है। पहले कितनी हरियाली थी, बिल्कुल ना सूखा सूखा सा आ गया। अभी आएगा अब सरदार शहर, वहाँ से लेंगे अब सब्जी यार, वहाँ तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। इनके 12 बज गए आज, जो भी हो ये तो लास्ट पुलाव बनाएंगे 1 बजे तक। होटल में खाना खा के तो पेट खराब हो रहा है, एक महंगा पड़ता है और पेट खराब होता है यार, वो मज़ा भी नहीं आता यार, अपनी चीज़ अपनी रहती है। होटल से लस्सी वगैरह दही ले लेंगे या सलाद वगैरह ले लेंगे। सरदार शहर तभी रह गया, मान चलो 1 घंटा लग ही जाएगा, अभी बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, गाड़ी खींचेगा फायदा नहीं, हमारे पास कौन सा सूखा माल है, टाइम से हमें पहुँचाना, तो आराम आराम से चल रहे बढ़िया। और मौसम भी आज बढ़िया यार, इतना मतलब कहीं जगह पीछे गर्मी थी पर अब गर्मी नहीं है, शायद आगे बारिश हो। आजू भाई कह रहे आप चलाओ गाड़ी, तो मैं चावल पका लेता हूँ तब तक चलती गाड़ी पे, तो फिर सब्जी आगे लेके पका लेंगे, तो आलू पका ही देंगे, तो मैंने ठीक है खाना पका लो, खाना भी पक जाएगा चलती गाड़ी पे आराम से। चावल बन गए अपने, और यार बड़ा मुश्किल होता है अभी गर्मी में खाना बनाना, देखो कमीज भी उतारनी पड़ी यार, बस एक तो वैसे भी गर्मी है, बस उतनी नहीं है कि हम बोलने की ज़्यादा है, पर हाँ फिर भी यार अब बर्तन के पास बैठना थोड़ी तो है ही, बस चावल पक जाएंगे भी टेंशन नहीं, कुछ ना कुछ तो पका ही लेंगे साथ में, नहीं तो लास्ट दही ले लेंगे। सरदार शहर आ गया, यहाँ तो होटल है पर वो आगे हैं सब्जी की दुकानें, यहाँ पे मिस्त्री काम करवाते ना वहाँ पे, या मिस्त्री की दुकान है वहाँ पे, सब्जी की दुकान है भी वहाँ से ले ही लेंगे, नहीं तो सिर्फ आलू बनाएंगे, अगर हरी मिल जाए ना फिर हरी सब्जी खाना, गोभी कुछ ना कुछ। सरदार शहर पार कर दिया, अब यहाँ पे डेफ था तो डाल लेते हैं यहाँ कंपनी से टाटा का ही टैंक, यहाँ से फुल करवा लेते हैं फिर देखते हैं कितना चलेगा। हो गया फुल भाई, अब यहाँ से मैंने फुल करवाया था सरदार शहर से तो वापस यहाँ तक कितना आ गया, 21 से 816 मतलब 22 मोटा मोटा। चलो यार खाना भी खा लिया, और पीछे रुक गए थे ना फिर वो एक दो गाड़ियाँ आ गई, सुंदरबन की गाड़ी थी 16 चक्का, एक गाड़ी और थी उनसे बातचीत करते हुए खाना खा के अपने निकल पड़े। अब बस मैं अजुबे बोला आप करो रेस्ट, आप सोचो 2-4 घंटे, फिर उसके बाद रात को एक बंदा जाके 2-4 घंटे सोचेंगे आगे, तो आज तो रात चलेंगे ही चलेंगे अब सीधा रतनगढ़। 3 बज गए और वैसे भी बाथरूम जाना था, रुक के टायर टूर देख लिए एक बार, अजुबा भी जाके मैंने बोला सोचो अभी तक सोए नहीं वो, अभी हम रतनगढ़ किया पार हमने, घर में टायर यार। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब थोड़ा चाय वगैरह पीने का मन है या थोड़ा ब्रेक लेने का, अब मेरे को ब्रेक लेनी होती है ना, फिर 2-3 काम करना पड़ता है, थंबनेल बनाना वो काम मेरा निकल जाता है, फिर थोड़ा बंदा भी रिफ्रेश हो जाता है, तो सोच रहा हूँ मैं लाडनू में चल के रुके हैं किसी जगह पे, लाडनू पार करके फिर किसी होटल में रुकते हैं, चाय पीने का सर जूस वगैरह मिल जाए ना वही पियेंगे। अब आगे तो बारिश है ना, मैंने फ़ोन किया वो आगे नीमच में अपने भाई हैं जा उधर जावरा में, तो वहाँ बारिश है काफ़ी, पर यहाँ पे मौसम धीरे धीरे बारिश में बनना स्टार्ट हो गया, मुझे लग रहा है किशनगढ़ तक बारिश ही होगी, पर यहाँ पे नहीं है बारिश, यहाँ पे थी गर्मी अभी पूरी ना, वहाँ होगी बारिश। और जानी की भाई वायरिंग पूरी हमने चेंज करवा दी, क्योंकि यार जानी में ना हर चक्कर कोई ना कोई इशू आता रहता था ना, बंद होना जैसे गोर बैटरी में इशू, उसकी आज 2 दिन से वो गाड़ी श्रीनगर में गया था, तो उसकी पूरी वायरिंग करवा दी हमने चेंज, जाने पापी से न्यू लुक में,
बस वापस भरेंगे अब, वो भी शायद हम सावधा में वापस इकट्ठे हो जाएंगे। मैं ब्लेयर से खाली करके सावधा आऊंगा तो वो भी शायद तो हम पहुंच जाएंगे। है कि गाड़ी इकट्ठी हो सकती है अपनी, कोई वो बात नहीं है। यहाँ पे भी था एक ढाबा, पर यहाँ पे है ना ढाबे पे यार समझ भी नहीं आता कहीं जगह खाना सही मिलता है कहीं जगह नहीं मिलता। आज है, आज खाएंगे खाना अगर शाम को अपनी बना दी अपनी, नहीं तो खाएंगे गुजराती होटल में बढ़िया खाना। गुजराती में मैंने आपको पहले भी बोला कि कितनी इज्जत और इतना सही खाना और रेट भी जेन्युइन है। अब कौन सा टोल आ गया, इतने रोड टोल है इस रोड पे, नहीं टोल नहीं है ना। सफर निकलने का कारण है ये भी है, देखो ना अभी कारण नहीं है, भाइयों का प्यार। आगे से गाड़ी आई, भाई ने बाहर ट्रेलर रोक दिया तो आवाज़ दिया, मेरे को रोड में रोकनी पड़ी। हाँ सिर्फ हाय हेलो होगी, मुलाकात रहेगी दो मिनट की, जहाँ चाय पीने की भी है, पर है कि भाई से अब मिलके निकलेंगे। रंगीला राजस्थान, वो यार इतनी धूल आ रही है ना, रोड में धूल दिखती नहीं फिर भी, मतलब देखो ना जोर जो धूल धूल हमें दिखती नहीं वो भी आती है, इतनी पूरा डैशबोर्ड गंदा हो जाता है। अभी देखो ये सामने भी हल्की हल्की, देखो ये देखना, हालांकि सिर्फ यही शीशा खुला है फिर भी कितनी दूर उड़ती है, और सोचो हम कितनी हमारे पेट में जाती होगी। बच्चू भाई कर रहे हैं सफाई, अब आगे वापस एक भाई आए थे ना, जो भी भाई मिलके गए ना, मैंने बोला कि बारिश अब हो रही है, आगे तगड़े वाली बारिश चल रही है। देखो अब कहाँ पे है बारिश, और इस रोड में सबसे एक जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ना जानवरों का, गाय भैंस का ध्यान रखना पड़ता है यार, बहुत गाय भैंस रोड पे है यार। अब रात को भाई उनकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट, उनको भी चोट लग सकती है या थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस रोड पे अचानक से कई बार आती। तो अभी दिन में भी इतनी जगह में ब्रेक देनी पड़ती है गायों के लिए, है ही नहीं हरियाली यहाँ पे, तो फिर घास है कई जगह में, ऐसा है ना बिल्कुल गायों को चरने के लिए नहीं है। अभी यहाँ रोड में थी वो रोड, वो देखो आगे अब सामने की बात है, वहाँ रोड पार कर रही है, अब वहाँ ब्रेक देनी पड़ेगी। और ये चीज़ें पता नहीं क्या है यार, चार दुआरी पड़े उस यार, उधर को कितना मेला लगा कोई उधर पार, कबड्डी है या वो मेरे को पता वो है कुश्ती दंगल चल रहा है, दंगल वो वहाँ बहुत भीड़ है। और देखो ये भी पार हो गए ना, कितने भाई यहाँ पे ना बड़े ध्यान से लग पड़ता है, रोड गीली होगी धीरे धीरे में तो आगे बारिश है। ओ बाइक वाले भाई तो पूरे गीले हो के आगे से आ रहे हैं, इसका मतलब बारिश लगी है साथ साथ आगे कहीं पे, देखते हैं कितने दूर रहेगी बारिश। रेलवे फाटक आ गया भाई, तो यहाँ पे भी फाटक अभी बंद है, ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। चलो जी तब तक हम आइसक्रीम खा रहे हैं आज भाई, जब मक्खी खाते हैं छोड़ो रहा। वो सामने से ट्रेन भी कहाँ गई, आई थी यार अज्जू भाई को भेज दिया पर मक्की लेने के लिए। चलो थोड़ा कुछ रिफ्रेशमेंट, वो यार काफ़ी फास्ट है कौन सी अब ट्रेनों के मेरे को नंबर नहीं पता ना नाम पता इतना, क्योंकि हमारा इतना सफ़र है सेकंड क्लास, यार इसमें डब्बे ख़त्म हो गए, मुझे लगा फर्स्ट क्लास भी हो गया, अभी फाटक खुल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अपने पीछे कौन से गाड़ी खड़ी है, हम अकेले खड़े, जो चला जाएगा आगे चला जाएगा। जो हम पकाते हैं उसको अच्छे से पकाते हैं, ये तो उसको ना बार बार से देखो काला करते हैं, बीच में दाने कच्चे हैं, इससे पेट खराब भी होता है। आज वगैरह मैं खाऊंगा ही नहीं, तो आधी आधी खाने होगी क्योंकि आधे ज़्यादा कच्चे हैं यहाँ पे, और ये अगर मैंने पूरी खा ली ना तो पेट खराब होना ही होना है यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच आए भाई लाडनू, ये भाई कहाँ जा रहा है, अच्छा रिवर्स करके गाड़ी मोड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं मोड़ लो भैया, रुक जाएंगे हम। पर मसला ये है ना, यहाँ से भी हमें सामान किशनगढ़ से लेंगे सामान यार, यहाँ से पूछते हैं देखते हैं यार, भाई जाए ना तरपाल लेना था मेरे को, एक पर अभी नहीं लूंगा, इस चक्कर के बाद लूंगा, इस चक्कर के लिए तो है अपने पास। काफी कमेंट आते रहते हैं कि आपने गाड़ी के जो एक साइड के व्हील कप टूटे कब डालोगे, भाई व्हील कप तो पड़े हैं ऊपर टूल पे, वो हमने लेके रखे, पर व्हील कप को सुराख करना है, बस सुराख करके नेट तो लगे पीछे तो पड़ जाएंगे, आगे वाला वेल्डिंग करवाना है। मैं खुद थोड़ा आलस खा रहा हूँ यार, चक्कर लगा लें तो थोड़ा काम गाड़ी रूटीन में आ जाए ना, फिर इंसान थोड़ा काम करवाता रहता है। अभी ऐसे वहाँ रुक गए, जम्मू से माल नहीं मिल रहा था, पहला सावधान दिन टूट गए, तो महीने में अगर 6-7-10 दिन गाड़ी रुकी रहेगी तो भाई क्या ही घुमाएगी, फिर किस तरीके का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी देखते हैं कल तक या चक्कर के बाद जैसे भी टाइम मिलता है तो उनको सुराख करके तो वो लगाते हैं। आज शाम को किशनगढ़ से देखते हैं, अपना है प्लान फिलहाल जो आगे ब्लैक वाले परांदे हैं वो लगाने का, कहते हैं ब्लैक परांदे नज़र में लगती, दो आगे दो पीछे लगाने हैं, व्हील कप भी देखते हैं फिर। और लाडनू कर दिया पार, अब सीधा आएगा टिटवाना है मामे का ढाबा, वहाँ रुकेंगे अपने, जो हमने खाना बनाया था कुकर वगैरह अभी थोड़े गंदे हैं वो धो लेंगे बर्तन, फिर वहाँ से आगे निकल जाएंगे। आगे से गाड़ी आ रही है शायद केलावर के, केला या कुछ और है, हाँ भाई केला ही है। देखो जो गाड़ी वहाँ से टाइम से निकलती है वो यहाँ पे एडवांस हो जाती है, भाई ने पहचान लिया दो गाड़ियाँ, चलो सही है साथ होना चाहिए, पर टाइम से गाड़ियाँ पहुँच गई यार। पिछली बार हम पहुँच रहे जब जन्नत को भी लेके तो हमें अंधेरा डिडवाना में, डिडवाना से पहले अंधेरा पड़ गया था, और अभी क्या टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं, इनको अंधेरा पड़ेगा सरदार शहर में, सही है।
जल्दी निकलती है जाके। आप बताओ कैसा सिस्टम है यार। अब आ गई है, आ गया ढाबा, पर यहाँ में रुकना, मामा के ढाबे में रुकेंगे, वहाँ पानी वगैरह है। अब यहाँ पे भी होगा पर वहाँ का हमें पता है यार, वहाँ टेंशन नहीं है, पानी है, बर्तन धो सकते हैं आराम से। बारिश आ गया जो भैया, बारिश बिल्कुल दिन में होनी चाहिए यार, दिन में ना गाड़ी भी ठंडी रहती है और मतलब रात में ना फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है। चलो लाइटें लेनी थी हमने, कालवे में बोर्ड था लेंगे हमने, वहाँ सुबह गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी ढाबे वाली में। अब देखते हैं किशनगढ़ पहुँच गए, किशनगढ़ रह गया यहाँ से 120 किलोमीटर बस। अब आने वाला है मामा का ढाबा। आप गए कभी मामा के ढाबे में? नहीं जी। अपना ही ढाबा जी, अपना मामा है, पहली बार जा रहे हैं। थोड़ा मतलब ठीक है, जिस सबसे वहाँ पे खाना है उस सबसे उसका रेट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ना खाना खाना है, हमें सिर्फ जाना है बस, कुछ नहीं करना, पानी भरना है, पानी भरना और बर्तन धोने। फाइनली मामा का ढाबा, थंबनेल बना लेते हैं, थोड़ा वीडियो अपलोड लगा लेते हैं, मतलब टाइमिंग दे लेते हैं, उसके बाद लाएंगे वहाँ से कुछ खाने को, आइसक्रीम वगैरह। बर्तन वगैरह धो दिए, मतलब मैंने नहीं धोए, अजू भाई ने धोए यार, और मैंने अपना जो थंबनेल वगैरह काम था वो कर दिया ख़त्म। आप जा रहे हैं यहाँ से आइसक्रीम लेने के लिए। पीछे से गाड़ी अपनी इतनी गंदी हो गई ना, तरपाल नहीं था, पर है कि रस्से अपने सही हुए, और फर्स्ट टाइम ना, अब जब तरपाल सही था हमारे रस्से सही हुए आज, और आइसक्रीम हम ले आइए सिंपल ही, और कुछ था ही नहीं यहाँ लाने को, क्या ही लेते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से आगे, चलो अपना बर्तन बर्तन भी साफ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा अपना स्टॉप आएगा किशनगढ़ पे। किशनगढ़ पहुँचने तक हमें लग जाएगा तकरीबन 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे, और अभी टाइम तकरीबन अगर 6 बज गए तो 8:30-9 बजे हम पहुँचेंगे किशनगढ़। और ये भी नेट ना मेरे ऊपर ऊपर आ रहे हैं, पता नहीं क्या यार, इनको दबाना पड़ेगा। कुचामन पहुँच के कुचामन भी पार कर दिया, बस सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है जानवरों की यार, इतने ज़्यादा है ना, बड़े आराम आराम से चलना जाना पड़ रहा है। अब रह गया 70 किलोमीटर, रह गया अपना किशनगढ़, 70 किलोमीटर तकरीबन 1 घंटा पर 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5-2 घंटे, 6:17 हो गए, 7:17, 8:30 पहुँचेंगे हम किशनगढ़। यहाँ पे भी दुकान है तरपाल वाली, अंधेरा भी पड़ गया और भाई हल्की हल्की ने बूंदाबारी भी शुरू हो गई है, और हमने धूप कर दिया मंदिर में, तो बस अब चल रहे किशनगढ़ जाके रुकते हैं, देखते हैं अगर सामान वगैरह लेना होगा तो, फिर उसके बाद टेंशन ही, नसीराबाद फिर खाना खा लेंगे आज गुजराती होटल पे ही, तो उसके बाद एक बंदा सो जाएगा, फिर एक चलेगा नया गाँव तक, फिर आके दूसरा बंदा। छोटी गाड़ी वालों की अलग ही लाइन रहती है, वो इधर से ओवरटेक कर रहा है मेरे को, यहाँ से करके आया कच्चे में ही। अब देखो वहाँ बीच में घुस रहा है यार, भाई यार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, ध्यान से नहीं चलते ना यार, उस साइड से ओवरटेक करो, दिखता भी है इस साइड से कर रहा है वो गाड़ी उसको ओवरटेक करने के चक्कर में, अभी जब जगह मिलेगी तब करेगी ओवरटेक। देना भाई रखेगा इसको लेफ्ट साइड में ही, तो गाय यहाँ पे बहुत है यार, दे रहो वापस लेफ्ट साइड में, बस यहाँ से पास करने के चक्कर में उसको। अब आएगा राइट, अब जगह खत्म होगी ना, और मेरे को पूरा कीचड़ कीचड़ से कर दिया टायर बाहर से, मतलब है भी सही है यार, इस साइड से कर दो यार, यहाँ से समझ भी आता है, सिंगल रोड है, कौन सा 4 लाइन है यार। अभी 10-12 किलोमीटर रह गया था, पता नहीं क्या मसला हो गया, यहाँ पे भी जाम लग गया। चलिए हल्की हल्की बारिश भी, हल्की गाड़ी चली, वही ना कि पानी वगैरह होगा या कुछ गाड़ियाँ, जैसे ये अपने कार वाले भाई पूरा योगदान देते हैं, इस वजह से जाम लगता है। पहुंच जाते हैं ना मैं रोड पे यार, टाइम नहीं टूटता यहाँ पे भी ना, मतलब अब टाइम भी टूट रहा है, थके भी हैं, चलेगा भाई नहीं चलेगा, पता नहीं किस चीज़ का जाम है यार, हल्की हल्की बूंदाबारी भी शुरू हो गई। अब तकरीबन 1.25 घंटा हो गया हमें जाम में, और हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो हमारे पास मिक्सचर पड़ी थी, तो हम हल्का सा प्याज काट के टमाटर काट के तो मिक्सचर बनाएंगे ऐसी खाने के लिए। अभी एक भाई आगे से आए ना, वो हिमाचल के, तो उनसे पूछा मैंने किस चीज़ का जाम है, कह रहे गाड़ी फंसी है, जाम नहीं लगता यार, जाम खुल जाता है गाड़ी वाले चलाते ना, कुछ ट्रक वाले भी जा रहे हैं यहाँ से, अब मैं नहीं कह रहा छोटी गाड़ी वाले गलत हैं, ट्रक वाले भी यहाँ से ओवरटेक करके जा रहे हैं, फिर कोई वहाँ घुसा रहा है, कोई किसी का शीशा टूट रहा है, कुछ कर रहा है यार, सब्र नहीं है ना, जो लाइन में चल रहे हैं, लाइन में चले तो जाम खुल जाता है यार, अब यहाँ से चले जाएंगे तो जो आगे से गाड़ी आएगी वो रुक जाएगी बस, फिर बहुत टाइम टूटता है। अपनी मिक्सचर होगी तैयार भाई, देसी डब्बा रख देंगे बस, एक टमाटर प्याज डाला और ये तो नींबू डाल दिए ऊपर, बस आराम से बढ़िया खाते चलो, और जाम का मजा लेते हैं मिक्सचर के साथ ही। पूरा ही जाम है चौक तक, अभी 5-6 किलोमीटर हमारा ऐसा ही जाम रहेगा, और 1.5 घंटा हो गया तब से भाई, और रास्ता देखो कैसा है, बिल्कुल आराम आराम से चल रही हैं गाड़ियाँ, पहली बार यहाँ पर मैंने जाम देखा, पता नहीं यार बारिश करके रोड ख़राब हो गई है ना, तो अभी तक हम नसीराबाद के आसपास पहुँचे होते, 2 घंटे लेट हो गया। मैन रोड पर तो पहुँच गए पर यहाँ भी जाम है, अब अपनी लाइन में तो गाड़ी रुक गई, क्या मसला हो गया, लाइन ही रुकी, वो चल रही हैं, अब उस लाइन में गाड़ी घुसाने के लिए
जगह ही नहीं इतनी, पीछे भी साथ में गाड़ियां हैं। चल पड़ी चल पड़ी, अब गाड़ी उसी चल पाते हैं धीरे धीरे। मैं रोड जयपुर का यार, और सुनने में है ना अभी वो पवन भाई बता रहे थे जो आगे है नसीराबाद, वहाँ पे रोड में बहुत खड्डे हैं यार। मेरे को बोल रहे अगर बारिश होगी तो फिर तो रात को नहीं आना, क्योंकि गाड़ी पानी में पता नहीं चलता, गाड़ी खड्डा कूद जाएगी तो कुछ तोड़ेगी तो फायदा क्या, कौन सा भी कच्चा माल भरा है, एमरजेंसी है। बात उनकी भी सही, देखते हैं आगे चल के जहाँ चलेंगे ना, जो तक रोड सही है। ओ भाई अभी स्पीड देखो और आवाज़ें इतनी आ रही हैं ना। फाइनली हम सारे जाम से बाहर आ गए और नीचे से हम घूम के ऊपर की तरफ भी आ गए। आज भी चले ऊपर वाली लाइट लगा भाई, देखो कितना सही है, खड्डे हैं ना वो सामने देखते हैं तो इंसान के पास टाइम होता है ब्रेक करने का, भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ढूंढ रहे हैं गुजराती होटल, जहाँ पिछली बार गौरी भाई था ना, गौरी भाई को खिलाई थी गुजराती होटल में खाना, वहीं खाएंगे। वो तकरीबन 20-25 किलोमीटर एरिया में होगा ज़्यादा। ओ भाई खड्डे खड्डे खड्डे, चलो इधर। उस दिन में भाई ढाबे का इंतजार करते करते ना लेट हो गए और आज भी 11 बज गए। आजा हाँ अभी भी ढाबा बस आने वाला शायद ना, वो आगे लाइट है वहाँ पे, हो सकता है सामने, अब पता नहीं अब कहाँ है। और वहाँ पे खाना बढ़िया यार, वहीं रुकेंगे तो 10-15 मिनट आधा घंटा लेट खा लेंगे, पर खाना अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। फाइनली ढाबा मिल गया, वो होटल वो आगे ही था मुझे लग रहा था ऐसे पीछे। चलो अब गाड़ी में यहाँ से करती लॉक, उस तरफ से करते हैं लॉक, खाते हैं खाना, फिर अज्जू भाई चलेगा करते हैं थोड़ी देर आराम। कर दी गाड़ी लॉक, यहाँ वाशरूम वगैरह हाथ शूट धो लिए, खाते हैं चल के खाना, करते हैं ऑर्डर कुछ भिंडी करेंगे आज, भिंडी और लस्सी। फिर मैं सो जाऊँगा, अज्जू भाई चलेंगे कहाँ तक, नया गाँव तक। जब उनको नींद आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब जब रजेश था या अज्जू भाई, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ही चलो, बस जब तक नींद आती, जब नींद आएगी तो मुझे उठा देना, क्योंकि हादसे हमेशा नींद में होते हैं, नींद में चलना ही नहीं चाहिए। खाना वगैरह खा लिया, अज्जू भाई कर रहे थोड़ा शीशा साफ, अब वही चलेंगे। अब टाइम 12 बज गए, 3 बजे तक सो गया ना, फिर टेंशन नहीं, फिर मैं चलूँगा वो खुद, फिर वो करेंगे आराम, लगाते हैं कूलर करते हैं रेस्ट, वीडियो को लगा के अपलोड पे। तो मिलते हैं कैनर ब्लॉग पर, टेक केयर, बाय बाय।